वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरे नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी श्रीमद्भागवतम प्रथम स्कंद एकादश अध्याय श्लोक संख्या 3। तमोपसृत्य निनदम् जगत भयो भयावहम् प्रत्युदयो प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा तमुपसृत्य निनदम् जगत भय भयावहम् प्रत्युदयो प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा हरे कृष्ण। माता जी हरे कृष्ण। तम उपसृत्य निनदम् जगत भयावहम् प्रत्युद्यु प्रजा सर्वा भर्तु दर्शनं लालसा हरे कृष्णा। उपसृत्य निनदम् जगत भयावहम् प्रत्युदयो प्रजा सर्वा प्रत्युदयो प्रजा सर्वा भर्तु दर्शन लालसा हरे कृष्ण। कंप्यूटर नंदकिशोरी माता जी अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु। नेहा माता जी श्लोक पढ़ रही हैं। नेहा माता जी श्लोक पढ़ रहे हैं जी। प्रभु जी हरे कृष्णा। तमुपसृत्य निनदम् जगत भयावहम् प्रत्युदयो प्रजा सर्वा
नंद किशोरी माता जी अनुवाद तात्पर्य पढ़िए। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के दंडवत प्रणाम। भौतिक जगत में साक्षात भाई को भी भय सुनकर द्वारिका के नागरिक उनकी ओर तेजी से दौड़ने लगे, जिससे वे भक्तों के रक्षक भगवान का चिर अभिलाषित दर्शन कर सके। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तत्पार्ज। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, भगवान कृष्ण के समय द्वारिका में जो नागरिक रह रहे थे वे सभी मुक्त जीव थे, जो भगवान के साथ उनके पासदों के रूप में अवतरित हुए थे। वे सभी भगवान के दर्शन के लिए ललायित थे, यद्यपि आध्यात्मिक स्पर्श के कारण वे उनसे कभी विलग न थे। जिस प्रकार वृंदावन के गोपियां भगवान कृष्ण के गोचरण के समय उनके गांव से दूर जाने पर सदैव उनके विषय में सोचती रहती थी, उसी प्रकार द्वारका के नागरिक भी द्वारका से दूर कुरुक्षेत्र युद्ध में भाग लेने के लिए गए हुए कृष्ण के विचारों में तल्लीन रहते थे। बंगाल के कुछ सुप्रसिद्ध कथा लेखकों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि वृंदावन मथुरा तथा द्वारिका के कृष्ण भिन्न भिन्न व्यक्ति थे, किंतु ऐतिहासिक दृष्टि से इस निष्कर्ष में कोई सच्चाई नहीं है। कुरुक्षेत्र के कृष्ण तथा द्वारिका के कृष्ण, और ऊपर कीजिए ना प्रभु जी, जी द्वारिका के नागरिक दिव्य नगरी से भगवान कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण उसी प्रकार शोकाकुल थे, जिस प्रकार रात्रि में सूर्य की अनुपस्थिति के कारण हम सब उद्विग्न हो उठते हैं। भगवान कृष्ण द्वारा की गई ध्वनि प्रभात के समय सूर्योदय जैसी थी, अतएव द्वारिका के सारे वासों निंद्रा जैसी अवस्था से जग गए, क्योंकि कृष्ण रूपी सूर्य का उदय हो चुका था और वे सब उनका दर्शन पाने के लिए फुर्ती से उनकी ओर आगे बढ़े। भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं। कैसे पढ़ रहे हैं माता जी? अच्छी तरह पढ़िए। भगवत भक्त नहीं। अच्छा, कहाँ चला गया जी? भक्त भगवान के सिवा अन्य किसी को अपना रक्षक नहीं मानते। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिन्न है, जैसा कि कहाँ चला गया प्रभु जी? नहीं, यहाँ माता जी पढ़िए। मेरे से तो आ नहीं रहा प्रभु जी। जैसा कि हम भगवान की व्याख्या करते हैं, नया माता जी पढ़िए। व्याख्या करते बता चुके हैं, हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से उत्पन्न है। आहार
भय तथा मैथुन भौतिक क्या हुआ नेहा माता जी, आपको पढ़ने में कोई समस्या हो रहा है? हरे कृष्ण प्रभु जी, वो माता जी पढ़ रही थी इसीलिए चुप थी। आप पढ़ रहे तो क्या, मैं आपको 10 बार करके बोल रहा हूँ ना पढ़ने के लिए। जी हरे कृष्ण पढ़ रही हूँ। किसी को नहीं पढ़ना है, एक बार नहीं 10 बार करके बोल रहे, फिर भी पढ़ नहीं रहे। हरे कृष्णा। भगवान का यह शब्द भगवान से अभिभिन्न है, जैसे कि हम भगवान की द्वारहित स्थिति की व्याख्या करते समय बता चुके हैं। हमारी वर्तमान भौतिक स्थिति भय से ओतप्रेत है। आहार आश्रय भय तथा मैथुन भौतिक अवस्था की इन चार समस्याओं में से भय की समस्या हमें सबसे अधिक कष्ट पहुंचाने वाली है। हम अगली समस्या को ना जानने के कारण सदैव भयभीत रहते हैं। यह सारा भौतिक जगत समस्याओं से भरा पड़ा है, अतएव भय की समस्या सर्व प्रमुख रहती है। इसका कारण भगवान की भ्रामक शक्ति के साथ हमारा सानिध्य है, जो माया अथवा वही रंगा शक्ति के रूप में जानी जाती है। फिर भी जैसे ही भगवान की ध्वनि होती है, जिसका प्रतिनिधित्व उनके पवित्र नाम द्वारा किया जाता है, वैसे ही सारा भय तत्काल दूर हो जाते हैं। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने निम्नलिखित 16 शब्दों द्वारा इसे उच्चारित की थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम इन शब्दों का लाभ उठा सकते हैं और संसार की भयावह समस्याओं से उबर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो हम लोग अभी श्लोक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। बैटरी परसेंटेज 78 है, अभी तक करंट आया नहीं। मोबाइल के लाइट से चेहरा दिख रहा है, पता नहीं आएगा कि नहीं करंट। चलिए हम लोग शुरू करते हैं हमारे कल के क्लास में जो कुछ डिस्कशन हुआ था। सबसे पहले हमारे नंद किशोरी माता जी बोलने की कृपा करें, कल हम लोग क्या डिस्कशन किए थे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल यही पढ़ाया गया था कि भगवान श्री कृष्ण इतना दिन जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडवों लोग के मदद या सपोर्ट के लिए थे, तो उतना दिन ये द्वारिका के इसलिए मतलब वे बाहर थे, वे पांडवों लोग के मदद करने के लिए, और द्वारिका के वासियों द्वारिका के निवासियों लोग वे इतने मतलब कृष्ण भगवान के लिए इतने दुखी थे, मतलब उनके द्रोह में इतनी दुखी थे कि उनको हमेशा याद करते रहते थे, बहुत याद करते थे। और भगवान जब कहीं याद करते थे, जैसे कि मतलब
कुछ उन लोगों को कुछ अच्छे नहीं लगता था, द्वारका के निवासी लोग तो नहीं अच्छा लगता था, इसलिए कि भगवान उन लोगों के साथ नहीं थे। और जैसे कि राजा मंत्री लोग अपने बॉडीगार्ड लेके चाहे अपने साथ है बहुत सारे लोग के लेके चलते हैं, उस तरह भी भगवान श्री कृष्ण ही जब अवतरित होते हैं तो वे अपने साथ भी बहुत सारे पार्षदों को लेकर के साथ आते हैं। तो ये वहाँ जब द्वारका जाने लगे तो मतलब वहाँ के निवासी लोग बहुत उनको मतलब चाहते हुए, जैसे कि हम लोग भी जैसे किसी से कोई बिछड़ जाता है उस तरह आदमी व्याकुल हो जाता है, उस तरह से वे द्वारका के जितने लोग थे वे सब लोग भगवान श्री कृष्ण के बिना एकदम व्याकुल थे। और प्रभु जी और भी है कि जब भगवान जब द्वारका के नजदीक गए तो वे अपना शंख बजाए, मतलब वे नहीं बजाए, उनके पार्षद जो लोग जो थे वे लोग बजाए, तो वे शंख का आवाज ध्वनि सुनकर वे द्वारका के जितने लोग उनका मतलब उनका जो उनको चाहते थे वे लोग खुशी से उछल गए कि अब हम लोगों को मतलब हम लोगों को साथ में भगवान आ रहे हैं। और प्रभु जी वे दौड़ते हुए आगे भी बढ़े और वे जो शंख की जो आवाज था वे मतलब सूर्य भगवान जैसे लालिमा निकलता है उस तरह से भगवान के होठों से निकला। और प्रभु जी और भी आगे बताए हैं जो जो भगवान के भक्त होते हैं, मतलब भगवान के जो भक्त होते हैं वे भगवान से कभी दूर नहीं रहते हैं, वे भगवान के विषय में हमेशा चिंतन करते रहते हैं, उनके उनके विषय में हरिनाम चाहे कोई से भी भगवान के चर्चा करते हैं कि अब हमारे हमारे लिए भगवान ही है, सब कुछ भगवान ही है हमारे लिए। और वही एक प्रभु जी एक शुद्ध भक्त की स्थिति मतलब आचरण वही है कि भगवान के विषय में हम हर एक तरह से चर्चा करते रहें, हरि नाम जपते रहें। और जैसे कि भगवान बिना द्वारिका के जितने लोग थे व्याकुल थे उस तरह तो हम लोगों को भी व्याकुल होते हैं, लेकिन प्रभु जी भगवान हम लोगों को दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उन लोगों तो भाई साक्षात वो लोग देख रहे थे। और भी प्रभु जी बताए हैं और कुछ भी बताए हैं लेकिन अभी इतने हमको स्मरण है। बहुत सुंदर। लेकिन आप एक चीज जो बोले कि उस समय द्वारका या मथुरा के भक्तगण जो लालायित उत्सुकता से भगवान को देखने के लिए उत्सुक होते थे उनको दिखाई देते थे, लेकिन हम लोगों को दिखाई नहीं देता। जी प्रभु जी हम लोगों को अभी दिखाई नहीं देते हो, जैसे कि हम लोग तो सोचते हैं कि भगवान साक्षात दिखाई पड़े, लेकिन उतना करेंगे उतना अभी तपस्या करेंगे तब तो प्रभु जी इस तरह तो है देख रहे हैं, भगवान को तो देख ही रहे हैं हर एक पल तो है ही, हम लोगों के साथ तो हर एक पल है ही। इसका मतलब आपको भगवान को कष्ट देने का प्लान है, आपके लिए भगवान को अवतार लेना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं प्रभु जी ऐसा बात नहीं है, हम कह लिए भगवान को कष्ट देंगे। हमारी बस की बात है प्रभु जी कि हम भगवान को कष्ट देंगे, हम तो चाहेंगे कि भगवान को तो सेवा ही कर रहे हैं। आपकी बातों से तो भगवान कष्ट पा रहे हैं ना, वो तो गोलोक वृंदावन में आपके भागवत कथा सुन के बोल रहे हाय रे, ऐसा ऐसा बात बोल रहे कि मैं उनको दिखाई नहीं दे रहा हूँ, वो तो भगवान तो कष्ट पा रहे हैं आपकी बातों से। हो सकता है कि मेरे को बोलने के उतना नहीं आया, बोलने का नहीं, आप भगवान को देखने के लिए आतुर है और भगवान एकमात्र कुछ कार्य उद्देश्य के लिए इस पृथ्वी में आते हैं, लेकिन आप बोल रहे कि मैं तो उतना भाग्यशाली नहीं हूँ कि मैं कृष्ण को दर्शन कर सकूं, हाय रे मेरा किस्मत,
इस तरह करके आप माथा को फोड़ रहे तो कृष्ण को कष्ट नहीं हो रहा है। अरे भागवतम और हरिनाम तो साक्षात भगवान है, उसको देख के जियो, आनंदित रहो। लेकिन तो आप तो उसमें सेटिस्फाइड नहीं है, आप बोलो नहीं मुझे वही ओरिजिनल कृष्ण चाहिए। तो इसका मतलब आप कृष्ण को कष्ट नहीं दे रहे। गोलोक वृंदावन से लाने में कितना, यहाँ से अमेरिका जाने में कम से कम 1,00,000 रुपए टिकट लगता है, और वहां से गोलोक वृंदावन से आएंगे कितना बड़ा टिकट लगेगा। बात समझ के हम नहीं बोले, हो सकता है कि मेरे बोलने में मिस्टेक हो गया होगा, ऐसा नहीं है प्रभु जी। तो आपका क्या भाव है बताइए, आप भाव क्या बताइए। हो सके मेरे को उतना नहीं आया भाव, बोलने में नहीं आया था। अच्छा, जो बोलने में भाव है वो बताइए, बताइए अब क्या बताएं प्रभु जी। अब तो जो है भगवान भी क्षमा करेंगे हमको, अगर हम गलत हमारे दिमाग हमारे मन मुंह से निकल गया होगा तो भगवान क्षमा करेंगे। गलत की बात नहीं है माता, एक्चुअली आप बोल रहे हैं ना कि मुझे कृष्ण दिखाई नहीं देता, लेकिन कृष्ण तो सब समय अपने को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन हम लोग खुद अंधे हैं। कृष्ण का दोष नहीं है, हम सब खुद अंधे हैं और बोलते कि कृष्ण दिखाई नहीं देता। हो सकता है हम और अंधे हैं, सभी से अंधे हैं। नहीं नहीं नहीं, हम सभी अंधे हैं, कलयुग के सभी प्राणी अंधे हैं। नहीं पर क्योंकि आपका जो पीछे जो अलमारी है ना, अलमारी में भी भगवान है। परमाणु अंडान तरस्त परमाणु चयन तरस्तम, ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा जी बोल रहे कि कृष्णा अंडानु अंडानु परमाणु अनु परमाणु सबके अंदर में भगवान विराजमान है। आपका जो खिड़की का जो पर्दा दिख रहा है ना, उसमें भी भगवान है, लेकिन हमारे पास वो आंखें नहीं है। हम लोग बहुत कुछ चीज देख नहीं पाते, लेकिन टेलीस्कोप के माध्यम से, कुछ यंत्र के माध्यम से दिख पाते हैं कि ये क्या चीज है, विक्टोरिया इतना छोटा सा प्राणी है ना? नहीं प्रभु जी, जैसे कि है हरे कृष्णा प्रभु, जैसे कि है कि और सभी भक्त लोग बोलने के उन लोगों का थोड़ा है ओवर व्यू बोलते हैं, हो सके कि हम उन लोगों से भी अंधे हैं इसलिए नहीं आता। नहीं नहीं, समस्या इस बात का है कि अभी तो करंट नहीं आया और बैटरी चार्ज लैपटॉप का ओनली थोड़ा सा है। पता नहीं ये भी एक भी मीटिंग क्लियर होगा कि नहीं। आज नेगेटिव नहीं, अभी तक करंट नहीं है, 4:30-5 बजने वाला है, 3 बजे से गया है। उससे भी पहले से हो सकता हम लोग तो तो चलिए, हमारे नेहा माता जी बोलेंगे कल के क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। हरे कृष्ण। अनम्यूट कीजिए माता जी। हरे कृष्णा, प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कल के क्लास में तो नहीं थे कल प्रभु जी, वो तो मुझे पता है कि आप क्लास में नहीं थे, तो यूट्यूब में क्यों नहीं देखे, यूट्यूब में मैं क्यों सेंड करता, आप बताइए क्या कल का क्लास में क्या घटना घटा था। नहीं सुने कल का जी, सुने भगवान जब द्वारका, भगवान जब द्वारका से गए तो वहाँ के सभी हस्तिनापुर से गए, हस्तिनापुर से गए या द्वारका से गए, द्वारका गए, हस्तिनापुर से गए, तब भी वहाँ के सारे हस्तिनापुर के वासी सब कैसे रो रहे थे भगवान के लिए, कैसे बिलक रहे थे। और जैसे कि वृंदावन वृंदावन में वृंदावन से भगवान जब गए, बोलिए वृंदावन, बोलिए वृंदावन, वृंदावन, हाँ, वहां से वहां के गोपी सब कैसे भगवान को स्मरण करते थे, कैसे भगवान की दर्शन के लिए कैसे हमेशा ललायत रहते थे। तो भगवान जब भी चाहे, वो लोग जब भी चाहते थे तभी दर्शन देते थे भगवान को। ऐसा ही इधर हस्तिनापुर का भी सब, उधर का लोग को भी सब दर्शन देते थे जब भी वो चाहे भगवान, वो लोग जब भी चाहते थे तभी दर्शन देते थे, क्योंकि वहाँ के जो वासी थे वो सब शुद्ध आत्मा थे। वहाँ जब उस समय जो भी उधर जन्म लिए थे
वो सब शुद्ध आत्मा थे, इसीलिए। और बहुत सुंदर, यूट्यूब देख के थोड़ा बहुत कुछ बोल पाए हैं। चलिए हमारे ममता माता जी है, ममता माता जी बोलेंगे कल की क्लास में क्या डिस्कशन हुआ था। यूनिक पॉइंट बताना है, जो कोई बोले वो नहीं बोलना, अलग। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे तरफ से सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ जी। प्रभु जी, कल जो हम लोग पढ़े श्लोक में, उसका आप अभिप्राय तात्पर्य बताए कि जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर से विभिन्न प्रांतों से गुजरते हुए होते हुए जब वो अपने द्वारका नगरी पहुंचे, तो वहां के जो द्वारकावासी थे, इतने दिनों से कुरुक्षेत्र के युद्ध में जो भगवान श्री कृष्ण द्वारका में नहीं रह पाए, हस्तिनापुर में कुरुक्षेत्र की लड़ाई में थे, उतना दिनों ये लोग उनके बिना बेचैनी महसूस कर रहे थे, उदास थे, दुखित थे, उनका दर्शन नहीं कर पा रहे थे श्री कृष्ण भगवान का। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का आगमन होता है द्वारका नगरी में, तो वो अपने शंख से शंख नाद करते हैं कि मैं आ गया हूँ, मेरा द्वारका नगरी में प्रवेश हो चुका है। सभी द्वारकावासी जो है खुशी से, उत्साह से और उमंग से उनका स्वागत करते हैं। और भगवान श्री कृष्ण तो सबके पति हैं, परम पिता परमेश्वर हैं और सब जगह हैं, सर्वत्र हैं, सभी जगह हैं, और हम लोग उनके पार्षद हैं, दास हैं, हम लोग उनके सेवक हैं। हम लोगों का जो जन्म होता है उनकी इच्छा के अनुसार से, यहाँ वहां जहाँ कहीं भी जहाँ चाहते हैं, जिस रूप में वो चाहते हैं वहां वो जन्म देते हैं, और हम लोग उनके सेवक हैं, पार्षद हैं। तो जब वो शंख नाद करते हैं, कहाँ जा रहा है, जब वो अपने लाल ओठों से शंख को अपने ओठों से स्पर्श करते हैं, तो वो शंख भी, सफेद शंख भी जो है सो भगवान के ओठों से स्पर्श होते ही ऐसा प्रतीत होता है कि वो लाल दिख रहा हो। इसका मतलब अभिप्राय ये होता है कि शंख भी भगवान श्री कृष्ण के स्पर्श में, भगवान श्री कृष्ण के निकटतम आने से, जिस प्रकार उनके ओठों की रंगत को पा करके खुद अपने आप को सफेद से लाल वर्णित हो जाता है, लालिमा दिखता है, तो हम लोग भी अगर भगवान श्री कृष्ण की, परम पिता परमेश्वर त्रिभुज भगवान की, श्री नारायण की भक्ति रोज करें, श्रवण करें, उनका रोज नित्य नियम से उनका पाठ करेंगे, उनके श्री मद्भागवत कथा का श्रवण करेंगे, तो हम लोगों का भी जीवन जो है सो धन्य हो जाएगा और हम लोग भक्ति धाम को प्राप्त कर सकते हैं या करेंगे। तो हमें, हम मनुष्य योनि में हैं, तो हम लोगों को यही चाहिए कि भगवान की कथाओं का श्रवण करें और अधिक से अधिक अपने संगे संबंधियों में, मित्रों में इस चीज का प्रचार प्रसार करें कि भक्ति करना हम लोगों के लिए, जीवन के लिए यथार्थ है, बहुत जरूरी है, जिसे करने से हमारा ये जीवन जो है, मनुष्य जीवन जो है सो धन्य हो सकता है, और हम अपने परम पिता परम पति परमेश्वर की चरणों में अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और एक अच्छी साधना कर हम लोग उनके सेवक बन सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। मतलब मनुष्य जीवन जो हमारा है उसको हम शुद्ध कर सकते हैं, सार्थक बना सकते हैं, एक मनुष्य का जिंदगी सफल कामों के लिए, शुद्ध शुभ काम कार्यों के लिए होता है, धार्मिक कामों के लिए होता है, तो ये हमें करना चाहिए। ठीक है जी, बहुत सुंदर। चलिए, हमारे गीता माता जी का नेटवर्क बारंबार जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे जा रहे आ रहे, फिर भी माता जी विचलित नहीं हुए। मैं अगर होता तब तो कब के लैपटॉप और मोबाइल को फेंक देता था। मेरा करंट नहीं है, मैं सोच रहा हूँ कि घर का तार मार पंखा मंखा खोल के फेंक दो। लेकिन उनका कितना बार चला जा रहा है लाइट करंट, फिर भी वो स्थिर है। भगवत गीता का वास्तविक तात्पर्य आप ही को पता है, स्थिर प्रज्ञा।
हरे कृष्णा। चलिए माता जी आप बोलिए हमारे पास। हरे कृष्णा। मैं कंप्यूटर और मोबाइल दोनों ऑन करके रखी हूँ। जो जी सभी वैष्णव को दंडवत प्रणाम। कल हम लोग ने प्रथम स्कंद के 11वें अध्याय का श्लोक संख्या 1 और 2 का अध्ययन किए थे। उसमें सूत गोस्वामी जी ने कहा था नैमिषारण्य के तट पर 88,000 ऋषि मुनियों को श्रीमद् भागवत संतम सुना रहे थे। उसमें कृष्ण के आगमन देने के लिए कृष्ण ने क्या किया, शुभ शंख के उद्घोषक ध्वनि से वहां के द्वारका के जो निवासी है वो अत्यंत उत्साहवर्धक लगा उन लोगों को जैसे वो सुने। तो फिर आप उसमें जैसे उसमें एग्जांपल दिए थे ट्रेन के प्लेटफॉर्म में जैसे पहुंचे थे ट्रेन क्या करता है, हॉर्न बजाता है। तो उसी प्रकार द्वारका में जितने भी भगवान के पार्षद आए थे वे नित्य मुक्त पार्षद थे। उनको भी वैसे ही बनना है, नित्य मुक्त पार्षद जैसे बनना है। तो द्वारका में जितने भी मतलब है वो सब नित्य मुक्त आत्माएं हैं। तो उसमें आपने बोले थे भगवान क्यों आते हैं अपने यहाँ भगवत धाम में, इस धाम में। तो भगवान धाम में आते हैं कुछ कार्य को संपादन करने के लिए, है ना। तो जैसा राजा कहीं जाते हैं तो अपने प्रजाओं को साथ में लेके जाते हैं, वैसे जैसे चैतन्य महाप्रभु है। चैतन्य महाप्रभु जो है वो किसी को भी लेके आ सकते हैं, उनका कोई भी पार्षद बन सकता है। जैसे कृष्ण का केवल देवतागण ही बन सकते हैं। तो श्री राम भगवान आए थे तो उसमें असुर देवता मनुष्य सब थे, नल नील बंदर भालू सब लोग थे। तो हम लोगों को कृष्ण के लिए क्या है, तड़प क्यों नहीं है? जैसे उन लोगों को तड़प होती है, हम लोगों को तड़प नहीं है। हमसे कृष्ण कितना दूर, कितने दिन से हम लोग कृष्ण से वियोग में, लेकिन फिर भी हमको तड़प नहीं आता है, क्योंकि हम लोग संसार के जो त्रिगुण है उसमें लिप्त हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग भगवान को याद नहीं कर पाते। तो संसार के जो 3 गुण है उससे हम लोग निवृत्त हो जाएंगे। कब कैसे होंगे, जब हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे, भगवान का शरण ग्रहण करेंगे। तो हम लोगों को जैसे आप जैसे बोले थे कि क्या बोलते हैं, अभी तो हम लोग का एडमिशन भी नहीं हुआ है शुद्ध भक्त के लिए, हमारा एडमिशन ही नहीं हुआ है अभी तक, ये बताए थे शुद्ध भक्ति के लिए। और क्या बोले थे, फिर दूसरे वाले श्लोक में वो लोग वहां शंख बजाए तो भगवान श्री कृष्ण को देखकर पांचजन्य, पर श्री कृष्ण ने पांचजन्य शंख, उनका जो शंख का नाम है पांचजन्य, तो श्वेत हंस जो है लाल कमल क्या बोलेंगे उसको, कमल दंड उसके बीच में खेल रहे थे। तो उसमें कृष्ण भगवान के जो दिव्य होठ है उसको स्पर्श करते ही वो लालिमा हो गया है। तो हमारा आत्मा भी वैसे ही प्यूरिफाई होना चाहिए, तभी भगवान दिव्य लीला, हमारा जो आत्मा प्यूरिफाई हो जाता है जब हम भगवान के दिव्य लीला श्रवण कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आपने कुब्जा का दिया था, कुब्जा चंदन लेकर के रावण को रोज लेके जाती थी। तो कृष्ण बोले कि तुम रोज लेके जाती हो, हे सुंदरी आज हमको भी तो उसका वो दिखा दो, चंदन का। तो फिर वो बोले अरे तुम कहाँ से आ, तो बोले नहीं वो हमको भी दो। फिर उसने लगा की थी, जैसे ही कृष्ण को लगा की थी वैसे ही कुब्जा कट 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 आवाज करके वो सीधी हो गई, और जैसे चेहरे में ऐसा किए तो वो सुंदरी हो गई। तो उसी प्रकार जैसे शंख भी पूरी तरह से आध्यात्मिक है, जैसे उसमें बोले लाली माँ, तो वो
जैसे का भी बोले प्लास्टिक सर्जरी का ही बताए थे, आजकल के प्लास्टिक सर्जरी क्या दिव्य है क्या, नहीं आध्यात्मिक है क्या, नहीं, तो शंख जो है वो पूरी तरह से आध्यात्मिक था, इसलिए लाल रंग हो गया। तो हमेशा हमारे हमारे शरीर को इतना शुद्ध हमको बनाना है कि हम मतलब कैसे, जैसे गोपिया गोपिया अपने शरीर रखे थे, गोपिया लोग एकमात्र पूरा प्राइमरी और एडिशनल का बात बताए थे, गोपिया अपने शरीर को इतना शुद्ध रखी थी कि कृष्ण का कृष्ण उनको आलिंगन कर सके। तो हम लोगों को भी अपना शरीर को उसी प्रकार शुद्ध रखना है जैसे गोपियां रखी थी। तो जैसे और बोले संपत्ति, संपत्ति के बारे में जैसे अर्जुन ने कृष्ण को प्राप्त किया है ना, तो उन उन, उन संपत्ति को नहीं, तो अगर हम कृष्ण को प्राप्त करेंगे तो कृष्ण की संपत्ति भी हमको मिल जाएगी। तो गुरु महाराज बोले थे मृत्यु जो हमारा जो शरीर है उसमें अगर आत्मा नहीं रहेगी तो वो आत्मा नहीं मतलब मृत है, हमारा शरीर मृत है अगर आत्मा नहीं होगी तो। तो गुरु महाराज ने एक चीज बताया था, मृत्यु के समय मृत्यु हो जाने के पश्चात शरीर को जला देना चाहिए। क्यों जला देना चाहिए? क्योंकि वो आत्मा को अपने शरीर से आसक्ति रहती है, वो उसी के आसपास मंडराती रहेगी। अगर शरीर को जला देंगे तब आत्मा को पता चल जाएगा अब तो हमारा शरीर रहा ही नहीं है, तो वो वहां से अपने गंतव्य स्थान को वापस चले जाती है। तो जैसे बोले तो कृष्ण का शरीर जो है पूरा आत्मा है, हमारा शरीर क्या है, हमारा शरीर अलग है और आत्मा अलग है। तो हमारे में और भगवान में यही डिफरेंस है, आत्मा क्या है, आध्यात्मिक प्रकाश के पदार्थ, पदार्थ बोले थे, पदार्थ नाम के कोई वस्तु नहीं है, आत्मा जो है कोई वस्तु नहीं है, और भगवान श्री कृष्ण के जैसे स्पर्श मात्र से ही आध्यात्मिक अनुभूति, स्पर्श जैसे कुब्जा का स्पर्श मात्र से सुंदर हो गई। तो कृष्ण भगवान का यह है कि जैसे स्पर्श करेंगे तो आध्यात्मिक अनुभूति हो जाती है। जैसे बलराम भगवान के सभी सेवा करते हैं, कैसे जब भी अगर भगवान को सोना है तो वो बिस्तर बन जाते हैं, भगवान को अगर बैठना है तो वो कुर्सी बन जाते हैं, और भगवान को पानी पीना है तो बॉटल बन जाते हैं। तो कृष्ण को जो कुछ भी, जैसा कृष्ण सेवा में जो कुछ भी हम लोग अर्पण करते हैं वो बलराम का प्रकाश है, इसलिए हमको मृदंग हो गया, करताल हो गया, जपमाला हो गया, ये सब चीज को हम लोग को क्या करना चाहिए, उसमें प्राण है बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि ये सब स्पिरिचुअल मैटर है। इसलिए हम लोग को इसका मतलब क्या हुआ, भगवान कण कण में उपस्थित है, वो कहीं पर भी उपस्थित हो सकते हैं। जैसे आपने एक एंटीना का एग्जाम्पल दिए थे, जैसे टीवी टीवी चैनल दूरदर्शन दिखाएंगे तो वायुमंडल में उसका तरंगे घूमते रहती है, जैसा व्याप्त रहती है, तो विविध भारती DD1 आस्था चैनल जो हम देखते हैं, तो उसी प्रकार वायुमंडल में भी भगवान का विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त है भगवान। तो किसी भी जगह जैसे हम प्रार्थना करेंगे तो भगवान हमारे पास प्रकट हो जाते हैं। तो इसलिए कि जैसे हम लोग वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करेंगे ना, तो भगवान के बारे में, भगवान भगवान के प्रति शरणागत होने का ही लिखा है, तो हम लोग भगवान को शरणागत करेंगे तो ये जो हमारा लक्ष्य है जीवन का, प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। तो बद्ध जीव क्या है, इस प्राकृत जीवन में आ गए हैं, जैसे इस प्रकृति के जगत में आ गए हैं, तो वो क्या है, सब कुछ भूल गए हैं भगवान को। लेकिन शुद्ध भक्त जैसे हमारे प्रभु जी है, हमको रोज ज्ञान देते, भागवतम सुनाते हैं, उनके उनके द्वारा जो ज्ञान हमको मिलता है वो उनकी कृपा से, कृपा जो हमको प्राप्त होती है उससे हमको क्या है, हमारा जो अंधकार है जो हम नहीं जानते थे कि कैसे हमको भगवान का, कृष्ण भगवान का शरण ग्रहण करना है, ये सिर्फ के बारे में हमको नहीं मालूम था, जब उनके द्वारा हमको ज्ञान मिला, ज्ञान प्राप्त हुआ, तभी हम ये जानने लगे कि एकमात्र कृष्ण ही सब सुप्रीम हेड है। तो बाकी देवी देवता लोग को सबको हमको इज्जत देना चाहिए, लेकिन हमारा जो मेन जो शरण ग्रहण जो करना उद्देश्य है, सुप्रीम हेड जो है वो कृष्ण है।
तो हम लोग को उनके बारे में अध्ययन करना, जानना, पढ़ना सब है। हरे कृष्णा। बहुत सुंदर हमारे माता जी।